नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर आपका, और वो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसकी कहानी अच्छी लगेगी आपको पढ़ के, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ना। गुलीवर इन लिलीपुट, आप प्रोनाउंसिएशन पे और वर्ड मीनिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और अपनी बुक लेके बैठ जाइए, या तो अपनी बुक पे ही वर्ड मीनिंग लिखिए या तो अपनी कॉपी पर लिखिए, ठीक है, जैसे आपको सुलभ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलीवर इन लिलीपुट। लिलीपुट क्या है? एक द्वीप है। और गुलीवर क्या है? एक नाविक है, ठीक है, क्या है? एक नाविक है। तो उसकी एक वो नाविक आया है, एक लिलीपुट में आ गया है, द्वीप में आ गया है। उसकी स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी भी है। चलिए, वंस देयर वॉज, एक थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। वंस देयर वॉज अ सेलर नेम्ड गुलीवर। वंस एक बार, देयर वॉज, यहाँ देयर से स्टार्टिंग हुई है। हमने बताया था आपको कि जहाँ पे कोई भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में मे आ जाते हैं ना, उसकी स्टार्टिंग आप उसका जो ट्रांसलेशन आप देयर से कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके हिंदी सेंटेंस में मे आ जाए, दिस इज़ द ट्रिक। Once there was a sailor named Gulliver. एक बार एक नाविक था named Gulliver. नाम Gulliver. उसका नाम Gulliver था. He went on a long voyage. Voyage means होता है समुद्री यात्रा. Voyage means क्या होती है? समुद्री यात्रा। अब लग गया इसमें एडजेक्टिव लॉन्ग, तो ही वेंट, वह गया एक लंबी समुद्री यात्रा पर, गया विथ हिज फेलो सीमैन, अपने समुद्री साथियों के साथ वो लंबी समुद्री यात्रा पर गया। वन डे एक दिन, देयर वॉज ये क्या है आपका? फियर्स, ये देखिए क्या है? फियर्स स्टोम एट सी। फियर्स मीन्स होता है भयानक, और ये वो वाला भयानक नहीं है, ये अत्यंत भयानक है। फियर्स मीन्स अत्यंत भयानक, आप कह लीजिए अत्यंत भयानक। स्टोम मीन्स तूफान। एट सी, समुद्र पर एक अत्यंत भयानक तूफान आया था एक दिन। अत्यंत भयानक तूफान था, या कह दीजिए आप आया, ये भी क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। इसमें जितने भी सेंटेंस आप आएंगे, वो जो भी आपका ट्रांसलेशन बनेगा वो पास्ट टेंस में बन रहा है, ठीक है। था में, तो आप इसके वर्ब के फॉर्म को आप देखते हुए चलिए, वर्ब का जो फॉर्म है आप देखते चलिए, पास्ट टेंस में कौन कौन से फॉर्म्स लग रहे हैं, ठीक है। आपका सिर्फ कहानी पढ़ लेना वो उपयुक्त नहीं होता है, उसको ग्रामर के बेस से पढ़ा करिए हमेशा। तो एक दिन जो है समुद्र में एक तूफान आया, अत्यंत भयानक तूफान आया। हिज शिप सैंक। सैंक मीन्स होता है डूबना, ठीक है। सिंक का पास्ट टेंस है सैंक, उसकी जहाज डूबी। बट लेकिन गुलीवर स्वैम, अब ये स्वैम देखिए आ गया ना, स्विम मीन्स होता है तैरना। फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म है स्वैम, तैरा। गुलीवर स्वैम, हिज शिप सैंक, उसकी जो शिप थी, उसकी जहाज डूब गई। बट लेकिन गुलीवर तैर गया टू द नियर बाय आइसलैंड। और नियर मीन्स पास के आइसलैंड, द्वीप पे गया, तैर के द्वीप पर चला गया। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट, और इस द्वीप का नाम क्या था? लिलीपुट द्वीप था। When he reached there, he was very tired. जब वह पहुँचा, reach means पहुँचना,
अब ये पास्ट टेंस है, ई डी लगकर पास्ट टेंस हो गया, तो रीच्ड पहुंचा। देयर वॉज वेरी थ्रस्ट वेरी टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ, वह बहुत ही थका हुआ था। ही सून फेल एज स्लीप, वह गहरी नींद में फेल एज स्लीप गहरी नींद में चला सो गया। ही सून, वह सून मीन्स शीघ्र, फेल स्लीप मीन्स होता है गहरी नींद में सोना, ठीक है। फॉल मीन्स होता है पड़ना, और उसी का पास्ट टेंस है फेल, ठीक, फॉल का पास्ट टेंस फेल। वह गहरी नींद में सो गया, ठीक है। तो व्हाइल ही वॉज स्लीपिंग फेल एज अ स्लीप, समझ रहे ना, अब इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, सो जाना, पड़ जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, फेल का ही यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है, फॉल या फेल का ही यूज़ करते हैं। तो हम, वह शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया, फॉल एज स्लीप मीन्स गहरी नींद में सोना, आप इस वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए। वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था, वाइल जब ही वॉज स्लीपिंग जस्ट सो रहा था, हंड्रेड ऑफ वेरी टाइनी पीपल केम देयर। टाइनी मीन्स क्या होता है, अत्यंत छोटे, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे, ठीक है, टाइनी मीन्स बहुत छोटे, पीपल लोग, केम देयर, केम कम का पास्ट टेंस है, केम आए, ठीक। तो देयर वहाँ, बहुत जब वो सो रहा था तो हजारों बहुत छोटे लोग वहाँ आए, एंड टाइड हिम विथ रोप्स, रोप्स मीन्स रस्सी, और बांध दिए उसको, रस्सी से बांध दिए। व्हेन ही वेक अप, और जब वह उठा, अब वो रस्सी उसके लिए क्या है, उसके लिए जब वो लोग छोटे छोटे लोग बांधे हैं तो उसके लिए क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। व्हेन ही वेक अप, जब वह जागा, वेक का क्या है, पास्ट टेंस है, वॉक जागना, ठीक है। तो जब वह जागा, वॉक अप मीन्स जागना, जागा, जब वह जागा, ही वॉज सरप्राइज मीन्स आश्चर्य की, सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, टू सी सच टाइनी पीपल, इतने छोटे लोगों को देख करके, अत्यंत छोटे लोगों को देख करके, सच मीन्स इस प्रकार के, सच मीन्स इस प्रकार के, टू सी आ गया ना, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लगती है ना तो टू लगा के लगाते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे लोगों को देख करके ही वो सरप्राइज्ड, वह अत्यंत आश्चर्यचकित था। ही सून बिकम का पास्ट टेंस है बिकेम, ठीक है, बिकेम क्या है, पास्ट टेंस है। ही सून, वह शीघ्रता से बिकेम, हुआ फ्रेंडली विथ हिम विथ देम, वह उनके साथ शीघ्रता से, विद देम मीन्स उनके साथ शीघ्रता से क्या हो गया, दोस्ती हो गई, उनके साथ शीघ्रता से दोस्ती हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है, दिट अनटाइड, शीघ्रता से दोस्ती हो गई। फिर क्या है कि दे अनटाइड, को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए, दे अनटाइड द रोप्स एंड गेव हिम फूड। अनटाइड, पहले तो टाइड किए, बांधे, अब अनटाइड कर दिया, अपोजिट वर्ड है, टाइड का अपोजिट अनटाइड, ठीक है, तो क्रिया ये, वे अनटाइड कर दिए मतलब खोल दिए, द रोप्स रस्सी को खोल दिए, एंड टाइड मीन्स बांधना, अनटाइड मीन्स खोलना, तो वे रस्सी को खोल दिए, एंड गेव हिम फूड, गिव का ये क्या है, गिव का पास्ट टेंस है, गेव हिम फूड, उनको क्या दिए, फूड दिए, भोजन दिए। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वर सो टाइनी, देयर लोव्स ऑफ ब्रेड, रोटी,
लोव्स मीन्स पाव रोटी होती है ना, लोव्स ऑफ ब्रेड, पाव रोटी, उनकी जो पाव रोटियां थी सो टाइनी। अब वो इतने छोटे थे तो उनकी पाव रोटियां भी तो छोटी होंगी, तो उनकी पाव रोटियां सो टाइनी दैट ही एट 10 लोव्स एट अ टाइम। एक समय पर वो 10 लोव्स को, 10 लोव्स, एट, ईट का पास्ट टेंस एट है, ठीक है, खाया। इतनी छोटी थी, सो टाइनी, सो मीन्स इतनी, टाइनी मीन्स बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी उनकी पाव रोटियाँ, बहुत छोटी थी कि वो पाव 10 पाव रोटियाँ खा लिया। फॉर लंच, लंच के लिए, अब वो तो पहले ही 10 रोटियाँ खा ली, ब्रेकफास्ट में दिया था भैया ऐसे ही खाने को, वो 10 रोट, उनकी 10 पाव रोटियाँ खा लिया। फॉर लंच ही एट 1,000 लोव्स, और लंच के लिए, और लंच के लिए ही एट, वह खाया 1,000 लोव्स, 1,000 पाव रोटियाँ खाया, और ब्रेड, ब्रेड की 1,000 पाव रोटियाँ, लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब 1,000 पाव रोटियाँ वो खा गया, ठीक है, 1,000 पाव रोटियाँ वो खा गया, 1,000 ऑफ लोव्स खा गया, और क्या है, 100 कॉलीफ्लावर्स, और 1,000, और 1,000 कॉलीफ्लावर्स, फूल गोभी खा गया, एंड 100 शीप, और भेड़, शीप मीन्स भेड़, और 1,000 भेड़ खा गया, ठीक है, इतने सारे खा गया, 1,000 पाव रोटी खा गया, 1,000 भेड़, मतलब फूल गोभी, और 1,000 भेड़ खा गया वो। फिर क्या क्या खाया भाई, और क्या किया, द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन। टाइनी पीपल, जो छोटे लोग, टुक, टेक का पास्ट टेंस टुक है, ठीक है, तो ले गए, टुक मीन्स ले गए, छोटे लोग उसको ले गए, हिम मीन्स उसको ले गए, टू देयर किंग एंड किंग, देयर पजेसिव है, दे का पजेसिव क्या है, देयर, दे मीन्स उनका, तो उनके अपने लिए यूज़ करेंगे, पजेसिव मीन्स अपना, अपने लिए, तो अपने लिए क्या बोलते हैं, देयर बोलते हैं, तो वे अपने किंग, अपने राजा और रानी के पास उसको ले गए। द किंग्स हैंड, राजा का हाथ, वो सो टाइनी, राजा का हाथ बहुत इतना छोटा था, दैट गुलीवर हैड टू यूज ओनली वन फिंगर टू शेक हैंड। गुलीवर हैड टू यूज किया, प्रयोग किया, केवल एक फिंगर टू शेक हैंड, शेक हैंड करने, हाथ मिलाने के, टू शेक मीन्स मिलाना, हाथ मिलाना, हैंड मीन्स हाथ, टू शेक मिलाना, तो हाथ मिलाने के लिए केवल एक, ओनली वन फिंगर, केवल एक उंगली का इस्तेमाल, टू यूज़ मीन्स प्रयोग, हैंड मीन्स किया, गुलीवर ने हाथ मिलाने के लिए सिर्फ अपनी एक उंगली का इस्तेमाल किया। एवरीथिंग, एवरीथिंग वॉज सो स्मॉल दैट ही वॉज लाइक ए जायंट अमंग द टाइनी पीपल ऑफ लिलीपुट। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ वॉज सो स्मॉल, इतनी छोटी थी, दैट कि ही वॉज लाइक ए जियांट, जियांट मीन्स होता है अत्यंत विशाल, अत्यंत विशाल क्या होता है, एक राक्षस ही होता है ना, तो जियांट का सेंस अत्यंत विशाल में आता है, राक्षस के रूप में, अत्यंत विशाल राक्षस की तरह, एमंग मीन्स बीच में, द टाइनी पीपल किसके बीच में है, टाइनी पीपल ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के छोटे लोगों के बीच में वह विशाल राक्षस की तरह था। प्रत्येक चीज़ इतनी छोटी थी कि वह किस तरह लग रहा था, लिलीपुट के द्वीप में, इतने लिलीपुट के छोटे लोगों के बीच में वह विशाल राक्षस के समान लग रहा था। दीज टाइनी पीपल वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। ये, दीज मीन्स ये, टाइनी पीपल छोटे लोग, वर वेरी काइंड, बहुत ही दयालु और हेल्पफुल थे, सहायता देने वाले थे। दे मेड अ बोट फॉर हिम, वे बनाए एक बो उसके लिए एक बोट बनाए, क्या बनाए, नाव बनाए, मेक का पास्ट टेंस मेड है, बना, मेक मीन्स बनाना, तो बनाए,
वे उसके लिए एक बोर्ड बनाए। इट वॉज टाइम फॉर गुलीवर टू लीव फॉर होम। यह समय था फॉर गुलीवर टू लीव फॉर होम। घर के लिए उसको गुलीवर को छोड़ने के लिए यह समय आ गया था, समय था। ठीक है, होम मीन्स घर के लिए, टू लीव छोड़ने के लिए, गुलीवर को घर के लिए छोड़ने के लिए समय आ गया था। नाव बना चुका था, अब समय आ गया था। तो ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड। वह दुखी था। ही मीन्स गुलीवर, वह सैड, सैड मीन्स दुखी था। टू लीव छोड़ना, छोड़ने के लिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों को छोड़ने में वह बहुत दुखी था। ही गॉट इन टू द बोट, वह बोट पर, इन टू मीन्स गया, इन टू मीन्स के लिए बोट पे गया। ठीक है, यहाँ पे सेंस किसे है, यहाँ पे गॉट का सेंस किसे है, गॉट, गॉट मीन्स प्राप्त करना होता है ना। तो ही गॉट इन टू द बोट, वह बोट को लिया या बोट को प्राप्त किया। एंड सेल्ड ऑफ, सेल्ड ऑफ मीन्स उसको खेया। ठीक है, यानी कि बोट पर गॉट मीन्स प्राप्त किया, मतलब हो गया बैठ गया, वह बोट पर बैठ गया और सेल्ड ऑफ और उसको चलाया। एज द टाइनी पीपल वेव्ड, वेव्ड मीन्स हाथ हिलाना होता है, हिम और हाथ हिला करके, और टाइनी पीपल छोटे लोग उसको हाथ हिला करके क्या किए, गुड बाय, गुड बाय किए। वह बोट पे बैठ गया और नाव चलाया और छोटे लोग हाथ हिला के उसको गुड बाय किए। नाउ दिस चैप्टर इज़ क्लोज्ड, फिनिश हो गया आपका ये चैप्टर। और उम्मीद करते हैं ये स्टोरी भी समझ में आई होगी, और बीच बीच में जो ग्रामर के सेंटेंस थे, ग्रामर जो हमने बताए, वो भी आपको समझ में आई होगी, पास्ट टेंस, और उसको आप नोट आउट भी कर चुके होंगे। यदि नहीं किए हैं तो दोबारा वीडियो को देखिए और दोबारा देख करके समझिए और समझने की कोशिश करिए। मेरे ख्याल से आपको लगभग समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी लाइफ में और हमेशा हंसते हुए हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाते हुए बढ़ते रहिए, और क्या, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थीके?